शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का नाम है दूसरों के अवगुण देखना अर्थात स्वयं का पतन करना। कहते हैं एक गुरुजी जब वृद्ध होने चले तो उनको विचार आया कि मेरे स्थान पर मेरे बाद कौन होगा। इतने में उनके पास एक व्यक्ति आया जो व्यक्ति स्वभाव से तो चंचल था, पर उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपके आश्रम पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो वो आश्रम में रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद वह व्यक्ति जिद करके एक दिन गुरुजी से वरदान मांगने लगा। गुरुजी ने उनको एक छड़ी दी, कहा कि ये छड़ी तुम अपने पास रखो, ये तुमको सबको जानने में कई चीजें प्राप्त कराने में मदद करेगी। व्यक्ति ने छड़ी अपने पास रखी। आश्रम में जो लोग आते थे तो व्यक्ति ने एक व्यक्ति को छड़ी लगा करके प्रयोग करने का प्रयत्न किया। जैसे ही उसने एक आने वाले आश्रम में व्यक्ति के ऊपर छड़ी लगाई तो उस व्यक्ति के जो अवगुण थे वो सारे छड़ी में दिखने लगे। तो वह व्यक्ति रोज रोज आने वाले आश्रम में भाई बहनों को छड़ी लगाता था और उनके अवगुण उनके दोष देखता था। ऐसे देखते देखते उनको सब में अवगुण देखने की आदत पड़ गई और जो भी आश्रम में लोग आते थे उनको भी उनके अवगुणों का वर्णन करता था। यह देखकर गुरुजी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी उस आदत को वो चलाता रहा। आश्रम पर आने वाले लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने मिलकर गुरुजी को शिकायत की। गुरुजी ने उनको अलग से बुलाया, फिर से समझाया, फिर भी वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। तब गुरुजी ने कहा तो फिर आप मेरी शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ। तब उस व्यक्ति ने गुरुजी से क्षमा मांग के कहा कि अभी मैं सुधरूंगा, अभी मैं अपना परिवर्तन करूंगा, परंतु मैं इस आश्रम पे रहूंगा, मैं और कहाँ नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर एक दिन उसको विचार आया कि मैंने सबके ऊपर छड़ी का प्रयोग किया तो क्यों नहीं मैं मेरे गुरुजी के ऊपर भी प्रयोग करूं। तो वो गुरुजी के कमरे में गए और उस दिन गुरुजी को उनके प्रति क्रोध आवेश के विचार आ रहे थे। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने गुरुजी को छड़ी लगाई तो गुरुजी का क्रोध और आवेश भी उसमें चिपक गया। ये देखकर व्यक्ति हैरान हो गया कि मैं जिनको गुरु मानता हूँ वे भी दोषी हैं, उनके अंदर भी अवगुण हैं, फिर तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। सवेरे होते ही उसने गुरुजी को कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गुरुजी उनकी बातों को देखकर उनके अनुभव से समझ गए तो गुरुजी ने उनको कहा ठीक है, तुम भले यहाँ से चले जाओ, पर जाने के पहले स्वयं के ऊपर भी एक बार इस छड़ी का प्रयोग करो। तो उस व्यक्ति ने अपने ऊपर भी उस छड़ी का प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ? परिणाम स्वरूप बहुत सारे दोष अवगुण उस छड़ी के अंदर चिपक गए। अब ये देखकर व्यक्ति हैरान हो गया, शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। इतने सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, इतनी सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, मैं तो दूसरों के भी अवगुण वर्णन करता रहता हूँ, पर मेरे अंदर स्वयं कितने अवगुण हैं। तब फिर वो गुरुजी के पास क्षमा मांगने लगा, उनके पांव पड़ने लगा, माफी मांगने लगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि जीवन के अंदर कभी भी कहा जाता है किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है, किसी के अवगुणों पर दृष्टि नहीं डालनी है। अगर किसी का अवगुण दिखाई भी देता है
तो पिता परमात्मा कहते हैं, देखते हुए भी न देखो, स्वयं के अवगुणों को देखो और उसे मिटाने का प्रयत्न करो। दूसरों के अवगुण देखने से हमारा पतन होगा, स्वयं के अवगुण देखने से, उसे मिटाने से हमारा उत्थान हो जाएगा। ओम शांति।